राम राम साहब, आर एन डिजिटल में थारो सबको घणो घणो स्वागत। और ओप्पो की एफ सीरीज को F19S लॉन्च हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया स्मार्टफोन आवा एमोलेड डिस्प्ले और 33 वोल्ट की चार्जिंग के साथ है। डिस्प्ले क्वालिटी, चार्जिंग स्पीड सब शानदार एक नुमाए थाने मिल जाए। एक कवर मिला, बॉक्स ओपन करा तो और एडेक्सिम इजेक्टर पिन दे दी है। नीचे स्मार्टफोन दे दो जो कि बहुत ही शानदार लुक एंड डिजाइन के साथ है। अगर देखो तो एक फीचर वगैरह भी थाना दे रहा है। ओप्पो ग्लो डिजाइन एक माए मिल जाए थाने। और इको फर्स्ट लुक देखो तो काफ़ी शानदार है। ट्रिपल रियर कैमरा दे दो, पीछे से 48+2+2 मेगापिक्सल का 3 कैमरा है। ओप्पो की ब्रांडिंग और ज़्यादा मतलब वेट भी को नहीं, और बढ़िया है लुक एंड डिजाइन के हिसाब से। आगे चल के और बात करूँगा, बॉक्स कंटेंट और देख लें के है। नीचे की तरफ देखो थाना 33 वोट को इमें चार्जर मिला, 33 वोट को तो बहुत बढ़िया चार्जिंग स्पीड है। एक घंटा में करीब फुल चार्ज सारो आराम से लगभग चार्ज हो जाए। टाइप सी चार्जिंग केबल है और ईयरफोन भी थाना बॉक्स में दे रहा है। मेन आपने स्मार्टफोन है जो आप देखा तो बढ़िया है का लुक एंड डिजाइन वगैरह। ऑन कर लूँ एक बार के लिए। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल को हम जड़ा मेन कैमरा मिल जाए। ओप्पो की ब्रांडिंग है और अडा ऊपर की तरफ थाना फिजिकल ओवर भी दे दो, 6.43 इंच के तो थाना फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिला। एमोलेड डिस्प्ले मतलब बढ़िया कलरफुल एंड ब्राइट डिस्प्ले मिल जाए। 16 मेगापिक्सल को थाना फ्रंट कैमरा दे दो, 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एक हो तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी फुल व्यू एकदम बढ़िया डिस्प्ले मिल जैसी। एयर स्पीकर वगैरह दे दो है। नीचे की तरफ देखोगा तो थाना एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक 3.5 mm ऑडियो जगह स्पीकर रियल दे दो है। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम कीज तो है ही, सिम ट्रे भी है। सिम इजेक्टर टूल की मदद से बाहर निकाल ले तो एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। 2 SIM और 1 SD कार्ड आराम से इंसर्ट कर सको। फोन अपना होगा। डिस्प्ले क्वालिटी देखो, एमोलेड डिस्प्ले बढ़िया क्वालिटी थाने का माए मिल जाए। 6.43 इंच की फुल HD प्लस साथ आना एमोलेड डिस्प्ले का माए मिला है। पंच होल डिस्प्ले है तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बढ़िया ही है एक हो। और अब बात करना आप राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन तो है ही, पीछे से थाना बताई दिए लुक एंड डिजाइन काफ़ी शानदार है। फोन में थाना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और जो कि तुमने इनरोल करना पड़ सी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक में इनरोल कर लिया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक में सारो ही में इनरोल कर लिया फेस वगैरह। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है देखो तो, एकदम टच करो और फटाफट ही थारा अनलॉक कर दे सी। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक बढ़िया चीज़ थाने का मैं मिल जाए। एक अलावा फेस अनलॉक चेक करा, फेस सामने लाओ देखो सीधो अनलॉक, स्वाइप वाली सेटिंग है इनदे डायरेक्ट अनलॉक भी कर सको, सामने लाते ही अनलॉक सीधो। तो फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक बहुत शानदार काम कर रहेगा। ओप्पो कलर ओएस वर्जन 11.1 दे रहा है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। 6 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 थाने का माए प्रोसेसर मिल जी सी। उनको कैमरा अगर ओपन करा तो सबसे पहले सारा मोड दे रहा है भाई, वीडियो नाइट वगैरह सारा, फोटो पोर्ट्रेट और नाइट वगैरह का सारा मोड मिल जैसी। नाइट में बढ़िया पिक्चर थे ले सको 48 मेगापिक्सल की। और एक अलावा आप मोर में जावांगा तो अड़ा है थाना स्लो मोशन का फीचर भी दे रहा है, मैक्रो का फीचर भी दे रहा है। तो सारा फीचर वगैरह दे रहा है। वीडियो सेटिंग एक बार के लिए आप चेक कर लेवा तो वीडियो सेटिंग ओपन करा, 1080p आराम से मैं रिकॉर्ड कर सको। एक सैंपल का तौर पर थाना मैं फोटो क्लिक करके दिखा दूँ, बाकी डिटेल में आर एन डिजिटल पर विजिट करोगा तो बड़ा थाना सारी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैमरा क्वालिटी भी फोन की शानदार है, पर्सनली विजिट करके देखो। फोन की डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह एमोलेड है, चार्ज करना के लिए 33 वोल्ट की चार्जिंग है, 5000 mAh बैटरी को बढ़िया बैकअप है और बढ़िया फीचर थाने का माए मिल जैसी। तो वीडियो ना लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, आर एन डिजिटल पर विजिट जरूर करियो। वीडियो देखने के लिए तार बहुत बहुत धन्यवाद।